ये क्या है, ये क्या है? पापा बिल, वे मुझे भी दिख रहा है। इतनी महंगी शॉपिंग, 20,000 की शॉपिंग। पापा कहाँ महंगी है, 1100 रुपए की जींस पैंट। हमारे टाइम पे 100 रुपए की हम पैंट पहनते थे और कभी कभी दोस्तों से मांग के पहन लेते थे। पापा वो टाइम अलग था, अब जमाना अलग है। लेकिन तेरे माँ बाप तो वही है ना, गरीब लाचार। बताओ जरा, 1100 रुपए की पैंट, इतने में तो मेरे 30-40 रुमाल आ जाते। पापा उन 40 रुमालों की सिलाई कर दी ना, जब भी एक पैंट नहीं बनेगी। इसको समझाओ तुम। बेटा पढ़ाई छोड़ के कहाँ तू सिलाई करने बैठेगा? खर्चे रोकने के लिए समझाने का बोल रहा हूँ, दुकान डालने के लिए नहीं बोल रहा। 2000 रुपए की शर्ट। पापा डीजल की है। कितना देती है? डीजल मतलब कंपनी डीजल, गाड़ी में डलवाने वाला डीजल नहीं। ये शर्ट इसको बोलो वापसी कर दे, वरना मैं यही शर्ट को डीजल डाल के जला दूंगा। ऐसे कैसे वापस कर दूं? और इससे ये पूछो, इसने ये पेमेंट कौन से कार्ड से की है? आपके कार्ड से। तुम बच्चे माँ बाप को बहुत बेवकूफ बनाते हो, ये मुझे बोलती है कार्ड दे दो पापा, मुझे ज़ारा से शॉपिंग करनी है। ये ज़ारा से शॉपिंग है? नहीं, मैंने बोला था ज़ारा से शॉपिंग करनी है। वो क्या है? कपड़ों का ब्रांड। वहीं से तो शूज नहीं है। 3500 का जूता। पापा मेरे वाले फट गए, उसमें से अंगूठा दिखता है। एक बार मुझे बोल देता रोजाना के नीचे मोची आता है। कब? इसको बताओ, इसको 12-12 बजे उठने की आदत है। तुम्हारे धूप लगे तो तुम कुछ करो ना। अगर कामयाबी चाहिए ना, इसको बताओ सुबह 6 बजे उठना सीखे, सुबह 6 बजे उठना सीखे। तुमने 6 बजे उठ के कौन सा साम्राज्य खड़ा कर दिया? चुप बैठो, तुम्हें मोची की आवाज नहीं आती? सिर्फ तुम्हारी आवाज आती है। चाय बना दो, पकौड़े बना दो, ये बना दो, वो बना दो। ये जो तुम्हारी सैंडल है ना, उसी मोची ने ठीक किया। इसको बताओ कितनी बढ़िया चुपकाई है। बहुत बेकार बेटा, लंगड़ी कुत्ते की तरह चलती हूँ। तो बता देती फिर रफू कर देता, उसका क्या जा रहा है? 5 रुपए देने बस। रफू रफू, इंसान हो ये दुपट्टा, कुछ नया ला के नहीं दे सकते? तुम और मैं इस पे आराम से बात करेंगे, अभी इससे कमीन से निमट लें। 800 रुपए का कच्चा। पापा मस्त इलास्टिक वाला अंडरवेल, और टाइम चलेगा। ये क्या नवाबी वाला शो के, 800 रुपए का कच्चा कौन पहनता है? तुझे गुलेर बनानी है? तू पाटता है या बम के गोले मारता है? हमने 40 रुपए के अंडरवेल में काम चलाया है। तुम क्या बीच में बोले जा रही हो? अभी मुझे उससे बात करने दो। हाँ भाई, और कहाँ लूट मचाइए? 700 रुपए की हेयर कट। नहीं पापा, मैं सिर्फ खुद बनवाने गया था। उसने मुझसे बोला बाल कटवा लो, फेशियल करवा लो, बच्ची तुम्हारे पे फिदा हो जाएगी। तो मैंने भी बोला सही है। क्या बाप कब से कह रहा है बाल कटवा ले? इसने अपने बाप की बात को नहीं सुनी, 700 रुपए के एक नाई की बातों में आके बाल कटवा लिए। पापा उसका नजरिया अलग है, आपके पास हीरा से। मुझे तेरे बालों से क्या हसद होगी? हाँ मेरे बच्चे, हमें तो एक बेटी चाहिए थी, वो कमी तूने पूरी कर दी। क्या मतलब इसका? 700 रुपए। बालों में कुछ फर्क तो नहीं दिख रहा बेटा? मम्मी ट्रिम करवाइए बस, थोड़ी स्टाइलिश कराइए, अच्छा लग रहा हूँ ना। किस बात के स्टाइलिश हो? घूम फिर के वही बाइक पे लफंगा गिरी करनी है? मैं बता रहा हूँ तुम्हारे लड़के के बहुत, मैं बता रहा हूँ, फिर मुझे नहीं बोलना है, बिगड़ जाएगा। अच्छा, ज्यादा शॉपिंग कर ली तो मेरा लड़का, मेरा अकेले का लड़का नहीं है, तुम्हारा भी बराबर कहा के उसने। यार आप लोग लड़े यार, गलत कह गए, मैंने सिर्फ बाल ही दो कटवाए, जब कमाऊंगा तो पैसे वापसी कर दूंगा। मैं इसकी तरफ से बड़ा परेशान रहता हूँ, इतने में 20-30 रुमाल आ जाए। मम्मी इनको जुखाम तो नहीं है? कब से रुमाल रुमाल करे जा रहे हैं? आपने हैसम को देखा है, इतना सा है, कितना टिप टाप रहता है। बस लड़कियां भी देख करे ना उसको, बोलती वो और कितने सूट देगी, कितने सूट देगी। उसका बाप एबर्ट लेबोरेटरीज में काम करता है, तेरा बाप तौलिया कंपनी में झक मराता है। जितने चादर हो उतने पैर फैलाया कर, इसको समझा लो वरना बहुत मसला हो जाएगा। चलो अच्छा है, कुछ तो सस्ता लिया। क्या लिया? 100 रुपए का पार्किंग। पार्किंग? हाँ पार्किंग है, पार्किंग अंडरग्राउंड पार्किंग। 100 रुपए में अंडरग्राउंड पार्किंग? कहाँ पे? क्या पताल में गाड़ी खरीदी तूने, स्कूटी? ये सारी चीजें वापस कर करा, मेरा कार्ड दे अभी के अभी, मेरे पास नहीं है। जल्दी झूठ नहीं बोल, मेरा कार्ड दे जल्दी अभी के अभी। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास नहीं, मम्मी को दिया था, सुबह वो मार्केट जाने वाली थी।
और क्या लिया है? 8,000 रुपए की साड़ी। जरूर तूने अपने कोई दोस्त को दिलाई होगी, जरूर। मैंने कोई साड़ी वाड़ी दी नहीं। देखा अपने लड़के को साड़ी? मैं लूट गया, मैं तबा बर्बाद हो गया, इन माँ बेटों ने मिल गए तबा बर्बाद कर दिया। आए राम दूसरी वीडियो का इंतजार करो। Thank you.